तो सबसे पहले हम लोग ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना एक लेग ऐसा पीछे की तरफ रखेंगे और दूसरा लेग आगे रखेंगे, ठीक है। ऐसे एक बार वापस इसे हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करना है, ठीक है। दोनों लेग को साथ में करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसे वन बाय वन करेंगे तो ये कुछ ऐसे लगेगा। एक लेग पीछे जाएगा और एक लेग हमारा आगे आएगा। एक को पीछे ट्रांसफ़र कीजिए और दूसरे को आगे लाना है, फिर दूसरे को पीछे ट्रांसफ़र कीजिए और एक लेग को हमें आगे रख। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना है पहले। ये साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, ऐसे पुष्पा की तरह पोज देना है, ठीक है। ऐसे शोल्डर को नीचे करके ऐसे हमें पोज देना है पुष्पा वाला, ठीक है। उसके बाद में अपना जो घुटना है वो बाहर की तरफ इसे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छे से घुटने को बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए ऐसे। ये आपको आराम से प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब समझ में आ जाए ये 1 2 3 4, ठीक है। एक बार फिर से करते ऐसे 1 2 3 4, ओके। एक बार फिर से इसे काउंट पे करते 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एक बार इसे एनर्जी के साथ करें, ठीक है, थोड़ा फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देखो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप डांसिंग।